दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रियल क्रिकेट 22 गेम पे विकेट लेने की कुछ सिंपल ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको इस गेम पे विकेट लेने का जो कंप्लेन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आप भी इस गेम पे रियल क्रिकेट 20 की तरह ही फिर से प्रो बन जाएंगे। चलिए दोस्तों क्या है वो टिप्स, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप स्पिन बॉलर से विकेट लेने की प्रयास कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो फील्डिंग है, अगर पावर प्ले के बाद आप फील्डिंग को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको डिफेंड फील्ड एक पे लगा के स्पिनर से बॉलिंग करवाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, डिफेंड फील्ड एक पे लगा के स्पिनर का बॉलिंग देना है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो कैसे करना है, तो ऑब्वियसली स्पिनर का जब बॉलिंग की बात आएंगे तो जितना हो सके बॉलिंग का जो स्पीड मीटर है उसको स्लो रखे, उसको लो रखे, क्योंकि जितना ही पेस कम देंगे उतना ही विकेट टेकिंग डिलीवरी का चांस एक स्पिनर के लिए बन जाएंगे। तो दो चीज़ ध्यान रखिए, एक तो डिफेंड फील्ड ऑन लगाइए और दूसरा है स्पिनर का जो पेस है वो बिल्कुल जीरो कर दीजिए। और अगर दोस्तों फास्ट बॉलर की बात करें कि फास्ट बॉलर से भाई कैसे विकेट ले, तो मैं आपको बताऊं कि स्पिनर का ठीक ऑपोजिट ही फास्ट बॉलर के साथ करना है। यानी कि एक स्पिनर कैसे बॉलिंग करता है कि बहुत ही स्लो गति से गेंद करता है, ठीक उसी तरह एक फास्ट बॉलर के पास चाहिए पेस। तो आपको प्रयास करना है जितना से जितना हो सके पेस देने की, गेंद पे जितना ज़्यादा पेस देंगे विकेट टेकिंग डिलीवरी का चांस उतना ही बनेंगे। ये रहा नंबर वन पॉइंट। और अगर दूसरा पॉइंट की बात करें कि फास्ट बॉलर को दूसरा और कौन सा चीज़ ध्यान में रखना है, वो है दोस्तों अपना ऑफ स्टंप के बाहर डिलीवरी करना है। हर एक गेंद को जो डिलीवरी है वो ऑफ स्टंप के बाहर डिलीवरी रखना है, वाइड लाइन साइड के आसपास बॉलिंग रखना है। आपको विकेट के आसपास बहुत ही रेयर बॉलिंग करना है, आपको ज़्यादातर टाइम वाइड साइड ऑफ स्टंप के बाहर ही बॉलिंग को रखना है। और फील्डिंग आपको डिफेंड फील्ड एक पे ही लगा के रखना है। और अगर आपको पावर प्ले के अंदर फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करना है तो आपको ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर जो फील्डिंग पोजिशन मैंने लगाए हूँ ठीक इसी तरीके की फील्डिंग आप भी सेट करिएगा। अटैकिंग फील्ड एक पे लगा के मैनुअली जो कुछ दो तीन चेंजेस मैंने किया हूँ फील्डिंग साइड पे, तो आप इस फील्डिंग को इस्तेमाल करिए पावर प्ले के अंदर जब आप फास्ट बॉलर का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह ही आपको जब अपना डेथ ओवर आएंगे आपको लाना है आपका फास्ट बॉलर। ऑब्वियसली डेथ ओवर में आपको अपना स्पिन बॉलर के साथ कभी मत जाना है। दोस्तों अगर एक और बात आप ध्यान से सुनिए कि जब अपना फास्ट बॉलर को डेथ ओवर में लाएंगे तब आप ज़्यादातर टाइम प्रयास करना यॉर्क करने की, और यॉर्क का स्पीड होगा एकदम लो, ठीक है, ना के बराबर स्पीड देना डेथ ओवर में। खास करके जब इंटेंस मैच होने वाला है तब आपको फास्ट बॉलर बुला के स्लोअर यॉर्क डालना है लगातार। हालांकि उसमें एक तो बाउंड्री आ सकता है क्योंकि ओपोनेंट भी खेल रहा है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और एआई बहुत ही ज़्यादा टफ है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन से कभी भी पीछे नहीं हटना है हालांकि कितना ज़्यादा बाउंड्रीज मारे, क्योंकि एक यॉर्क गेंद पर अगर एक विकेट मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा मैच चेंज कर सकते आपका एक यॉर्क गेंद। तो ऑब्वियसली आप अपना डेथ ओवर में यॉर्क गेंद पे अटे रहिए एकदम, क्योंकि उसमें ही सफलता छुपे हुए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ट्रिक्स। कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर एक सब्सक्राइब करके ज़रूर बता किए चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी ट्रिक्स एंड टिप्स आने वाले हैं अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग के भी आने वाले। दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, खेलते रहे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।